नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु फैक्ट हिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो मैं काफ़ी लेट बना पा रहा हूं, पिछले कई दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली थी, इसलिए आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाय किए हुए हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 6 महीनों से भारत और चीन का तनाव लगातार सीमा पर बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, चीन लगातार धोखे देता जा रहा है और वह ना ही अपने किसी भी फैसले पर अमल कर रहा है। इसी बीच भारत सरकार ने फैसला लिया है कि भारत अब निर्भय मिसाइल को LAC पर तैनात करेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, निर्भय मिसाइल पूर्ण रूप से स्वदेशी मिसाइल है। इस मिसाइल को पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया। इस मिसाइल का निर्माण भारत की एक डिफेंस कंपनी DRDO ने किया था। दोस्तों, जब आपको इस मिसाइल की खासियतें पता चलेंगी, तब आपको ये पता चलेगा कि निर्भय मिसाइल कितनी खास मिसाइल है। दोस्तों, निर्भय मिसाइल एक लॉन्ग रेंज की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक है। इसका वजन 1500 किलोग्राम और इसकी लेंथ 6 मीटर है, जबकि इसका डायमीटर 0.52 मीटर का है। यह 200 से लेकर 300 किलो तक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, अगर इसे जिस टारगेट पर सेट कर दिया जाए, अगर वह टारगेट अपनी दिशा बदल लेता है, तो यह मिसाइल भी उस टारगेट की तरफ ही अपनी दिशा बदल लेगी। दोस्तों, अगर टारगेट कुछ दूरी पर है या फिर टारगेट इस मिसाइल की रेंज में धीरे धीरे आ रहा है, तो यह मिसाइल उस टारगेट का वेट भी कर सकती है। इस मिसाइल में 2 विंग्स लगाए गए हैं, जो कि आसमान में ही लगातार राउंड ऑन राउंड घूमती रहेगी, जब तक वह टारगेट इसकी रेंज में नहीं आ जाता या फिर इसकी नज़र में नहीं आ जाता। दोस्तों, यह मिसाइल रिंग लेज़र गायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर काम करती है, जो कि सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम से लैस होता है। दोस्तों, इस मिसाइल में 2 तरह के इंजन लगते हैं, पहला सॉलिड रॉकेट बूस्टर इंजन और दूसरा टर्बो जेट इंजन। इसमें 2 तरह के फ्यूल लगते हैं, पहला फ्यूल सॉलिड रॉकेट फ्यूल और दूसरा लिक्विड फ्यूल। दोस्तों, इस मिसाइल की तैनाती सीधे तौर पर LAC पर चीन की बर्बादी को दिखाती है। भारत ने पहले से ही LAC पर ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलों को तैनात कर रखा है, उसके ऊपर ये निर्भय मिसाइल भी अब LAC पर तैनात हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि निर्भय मिसाइल आपको कैसी लगती है, और अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।